Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another episode of Gallup Pakistan podcast. जैसे कि हम पिछली सीरीज में कर रहे थे, आज हमारे साथ डॉक्टर एजाज गिलानी हैं जो गैलप के चेयरमैन हैं। इस एपिसोड में और इस तरह ही कुछ एपिसोड में हम इनसे गैलप पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। गैलप को बने और पाकिस्तान में काम करते तकरीबन 40 साल हुए, तो हम कुछ जानना चाहते हैं कि गैलप कैसे बना और उसके मुख्तलिफ अदवार क्या थे। डॉक्टर साहब बताइए, गैलप पाकिस्तान कब बना और आप उससे पहले क्या कर रहे थे जब आपने गैलप बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अच्छी पुरानी यादें हैं ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल कुछ, एक मरतब मैंने इसमें कुछ लिखना शुरू किया था, लिखने के वक्त ये चीज़ सामने आई थी कि पहले 10 साल तो उसके बुनियादी ढांचा बनने में लगी। ये इसके बावजूद था कि पहला कामयाब सर्वे पूरे मुल्क में तो एक साल में ही हो गया था और मुल्क भर में काफ़ी उसकी पजीराई और शोहरत भी हो गई। क्या सर्वे का मौजू क्या था? तो जो इब्तदाई सर्वेस थे ये मुख्तलिफ मौजूआत पर शुरू किए थे, जिसमें कौमी उमूर भी होते थे कि मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है, और ये भी होता था कि आप चाय कौन सी पीते हैं, और ये भी होता था कि आप कपड़े कैसे धोते हैं, देसी साबुन से धोते हैं या दांत कैसे साफ करते हैं, मसवाक से करते हैं या मंजन से करते हैं। 1979 में जब आपने पहला सर्वे किया, तो उससे पहले पाकिस्तान में क्या सर्वेस किए जाते थे और दुनिया भर में उस वक्त सर्वेस होते थे? बहुत कम होते थे। गैलप इंटरनेशनल है, इसमें भी यूरोप और अमेरिका के अलावा बहुत खाल खाल ही कोई मेंबर था। जापान एक था पूरे एशिया से, और हिंदुस्तान के भी एक साथ थे जो इस कुछ काम करते थे, लेकिन इसके अलावा पूरे एशिया में एक भी इदारा ऐसा नहीं था कि जो इस तरह के काम में हो। यूरोप के ममालिक में था, ये ज़्यादातर कंज्यूमर मार्केटिंग रिसर्च में थी। जॉर्ज गैलप की अलबत्त शोहरत इलेक्शन की वजह से भी कायम हुई थी, अगरचे वो भी जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही रिसर्च करते थे, पढ़ाते भी थे और साथ में उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए रिसर्च भी करते थे। मौजूद लेकिन सियासत भी हो सकता था, रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल भी हो सकता था, और लोग मीडिया क्या देखते हैं ये भी एक तीसरा बड़ा मौजू था जो उस वक्त दुनिया भर में पाया जाता था। तो आप जिन अदवार का पूछ रहे थे, तो उन अदवार में इस तरह के किसी काम को कर देना नमूने के तौर पे, इसके लिए तो एक साल ही लगा था मुश्किल से, लेकिन उसके बाद उसे इदारा बनाने 10 साल, फिर 10 साल के बाद अगले 10 साल, 20 साल के बाद ये महसूस हुआ कि ये काम अपने पाँव पे भी खड़ा हो सकता है आज़ादी के साथ, और उससे अगले 10 और 20 साल में फिर उसमें एक वसत भी पैदा होनी शुरू हो। ये मैं कुछ इसलिए बयान कर रहा हूँ, और इस पर हो सकता है आप चाहेंगे तो हम एक से ज़ायद नशस्त इंशाल्लाह कर लेंगे, कि अगर किसी नए काम को करना हो तो उस नए काम के कुछ फितरी मराहिल हैं, ख़ासतौर से अगर वो नया काम ज़हनी नौयत का हो, इल्मी नौयत का हो, और उस ज़हनी और इल्मी नौयत के काम में आप नकाली के अलावा अपने हालात के मुताबिक और अपने जहन के मुताबिक उसमें कोई उपज पैदा करना चाहिए, कोई नई बात कहना चाहिए, अपने ज़मीर के मुताबिक करना चाहिए, तो फिर वो बहुत एक सब्र आजमा और लंबा और नाजुक काम। उसमें उस तरह से दौड़े नहीं लग सकती कि जितनी जैसी आप
अगर कोई चीज़ें बनाना शुरू कर दें, कोई सड़क बनाना शुरू कर दें, कोई पुल बनाना शुरू कर दें, कोई इमारतें खड़ी करना शुरू कर दें, किसी चीज़ के कारखाना लगा के रोज़मर्रा की चीज़ें पैदा करना शुरू कर दें, वो भी बहुत मुश्किल और बहुत अहम काम है। लेकिन अगरचे इस काम को भी हमने बिजनेस बनाया, लेकिन इस बिजनेस में और उस बिजनेस में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। जब आप गैलप को एक बिजनेस के तौर पर कहते हैं, आम तौर पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों की ये राय होगी कि गैलप तो सियासी मौजूदात पर सर्वे करते हैं, तो गैलप एक बिजनेस है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे पहले गुफ्तगू हुई कि अमेरिका में भी डॉक्टर जॉर्ज गैलप ने जब ये काम शुरू किया तो उस काम में बिजनेस के तौर पे तो ये रोज़मर्रा की अशिया ही थी कि जिससे पब्लिक ओपिनियन पोलिंग या मार्केटिंग रिसर्च होती थी, लेकिन बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं। जॉर्ज गैलप ने जब उसका अतलाक इलेक्शंस पे किया कि अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा, और उसका नतीजा जब ठीक उसकी पेशगोई कर दी तो उसकी वजह से शोहरत बहुत हुई और लोगों को ये यकीन हो गया कि चंद हज़ार लोगों से गुफ्तगू करने के बाद भी पूरे मुल्क के बारे में कोई हतमी राय कायम की जा सकती है। वरना इलेक्शन तो चार साल में एक मरतबा अमरीका में भी होता है, तो कारोबार चलाने के लिए तो हर रोज़ कुछ कारोबार होना चाहिए और हर महीने कुछ कारोबार होना चाहिए। इसलिए अगर कोई इलेक्शनों पे ही किसी इस तरह के काम में चलना हो तो उसके लिए तो इसमें मुस्तकिल आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। मज़ीद ये कि अगर आप किसी से चंदा लेके ये काम कर लें या किसी सियासतदान की या सियासी जमात की शोहरत के लिए काम कर लें तो वो भी वक्ती सी चीज़ है, क्योंकि इस काम में कुल काम में जो असल रूह है वो आज़ादी से काम करना है। और जिस शख्स ने, खा वो कारोबारी हो, जिसके पैसे से भी आपने ये काम करना है, उसकी राय से मुतासर नहीं होगा। न उसने आपको ये बताना है कि आप ये जो काम करने निकले हैं जिसके मैं आपको पैसे दे रहा हूँ इसका ये जवाब निकाल के मुझे दे दें, तो अगर उसमें इतनी आज़ादी ना हो उसके पास कि कोई कारोबार का मालिक उसे ये कहे कि मैं आपसे ये काम करवाना चाहता हूँ और मैं इस काम में आपकी राय को मुतासर करूँगा, तो फिर तो वो चंद दिन का ही खेल है। ये भी वजह है कि जिन समाजी और सियासी मौजूदात पे आवाम में इसकी पसीराई होती है वो भी आज़ादाना राय की वजह से होती है। लिहाजा इस आज़ादी को और उसकी इस सकाहत को हासिल करना सिर्फ रायामा के सर्वे में नहीं, बल्कि रायामा के ये सर्वे भी इल्म की मुख्तलिफ अकसाम में से एक इल्म है। तो अमूमी तौर पे आलिम के लिए ये बहुत अहम बात है कि वो जब तक उसके बारे में ये राय नहीं होगी कि वो उसमें सच्चाई नहीं है, इंसाफ नहीं है, हौसला नहीं है, ये जो तीन चीज़ें हैं कि वो सच्चाई के मामले में बहुत साबित कदम रहे हैं और वो इंसाफ के बारे में बहुत साबित कदम रहे हैं और वो ये सब काम हौसले के साथ करें, ये तीन चीज़ें हैं कि जो वक्त के साथ, यानी इन 40 सालों में अगर कोई सबक मुझे बताना हो तो वो सबक ये है कि ये कारोबार होने के बावजूद भी कारोबार के लिए नहीं है, ये इल्म को मुमकिन बनाने के लिए कारोबार है। ये कारोबार के लिए इल्म नहीं है बल्कि इल्म के लिए कारोबार है। तो आप मुझसे कह रहे थे कि मैं इतने 40 साल का कोई खुलासा पेश करूं, तो वो खुलासा यही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज की हम एपिसोड इसी नुक्ते पे ख़त्म करते हैं।
गैलप की एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर के ममालिक में नए कारोबार शुरू करने की जो शरह है उसमें बहुत पीछे रह गए हैं। तकरीबन 3% अफराद ऐसे हैं जो 18 साल से बड़ी उम्र के हैं और उन्होंने गैलप के सर्वे में ये बताया कि उन्होंने या उनके घर में किसी ने कोई नया कारोबार शुरू किया है। ये शरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी ज़्यादा है, ये शरह यूरोपियन ममालिक में इससे कदरे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने आज कुछ रोशनी डाली कि कामयाब कारोबार और ऐसा कारोबार जो इल्म पर मबनी हो उसके लिए क्या कलीदी असूल हो सकते हैं। और आज हम जब नॉलेज इकॉनमी की बात करते हैं और नॉलेज रिलेटेड बिजनेसेस की बात करते हैं तो आज की नशस्त उस हवाले से भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद महसूस हुई। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।